हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल एंटरटेनमेंट फोकस प्लस, जहां पर हम अपनी नॉलेज पर फोकस करेंगे। मेरे इस चैनल पर आप सभी को टैक्सेशन से रिलेटेड नॉलेज मिलेगी इन जीएसटी एंड इनकम टैक्स एंड इन वेरियस टॉपिक्स आल्सो। लेट्स स्टार्ट। मेरा नाम है ज्वेता और आज का हमारा वीडियो रहेगा अबाउट इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी हमने इसे प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट कर लिया था कि इनकम फ्रॉम सैलरी आखिर होता क्या है, इसके कितने सेक्शन हैं और इसमें हमने और भी कुछ चीज़ें हमने इसमें पढ़ लिया था, रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली थी। अगर आपको ये बिल्कुल स्टार्टिंग से मेरी इनकम फ्रॉम सैलरी की वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी की वीडियो मैंने पार्ट में अब भेज रही हूँ, पार्ट में हम करने वाले हैं, तो पार्ट वन हम लोग कर चुके हैं और आज के हम वीडियो में करेंगे अपना पार्ट टू स्टार्ट। तो सबसे पहले हम एक बार इनकम फ्रॉम सैलरी को थोड़ा सा रिवाइज करते हुए अपने नेक्स्ट इनकम फ्रॉम सैलरी के टॉपिक पे चलेंगे। सॉरी इनकम फ्रॉम सैलरी ये हमारा पार्ट टू है, पार्ट वन हम लोग कवर कर चुके हैं। अब इसमें हम लोग करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी का कि हमने क्या करा था, सेक्शन कवर करिए थे कि इनकम फ्रॉम सैलरी में हमारे कौन कौन से सेक्शंस आते हैं। तो सेक्शन हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी में तीन सेक्शन आते हैं, सेक्शन हम लोग पढ़ चुके थे। सेक्शन आता है हमारा 17 के अंदर हमने 15, 16 एंड 17 ये आते हैं हमारे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना 15। फिफ्टीन हमने करा था चैरिटेबिलिटी का, सिक्सटीन हमने करा था डिडक्शन का और सी में आता है हमारा सैलरी, परक्यूसाइट्स एंड प्रॉफिट इन लोई ऑफ सैलरी। सैलरी से रिलेटेड हम इसको याद रखेंगे, सैलरी यानी कि सैलरी का चार्ज कितना है, डिडक्शन कितना क्या है, और 17th में हम पढ़ेंगे सैलरी। आज हम मेन कंप्लीट करेंगे अपना 15 एंड 16 को भी कोशिश करेंगे कवर करने का बिकॉज इसमें हमारा डिडक्शन है, तो मेन हमारा रह जाएगा 17 सेक्शन को भी हम पार्ट में कवर करेंगे क्योंकि सैलरी थोड़ा सा हमारा टॉपिक बड़ा है और बहुत ही इजी टॉपिक है, इसको हम लोग सैलरी के पार्ट में कवर करेंगे सेक्शन 17 को, जैसे कि हमने सैलरी को अपने पोर्शन में डिवाइड किया था। ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में सब कुछ बता चुकी हूँ, आज हम लोग सिर्फ 15 और 16 सेक्शन को कवर करेंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहले सेक्शन 15 में क्या है। सेक्शन 15 है हमारा बेसिस ऑफ चार्ज इन सैलरी। इसमें हमारा क्या कहते हैं, बेसिस ऑफ चार्जेस, चार्जेस हमारे कैसे क्या लगेंगे। इसमें हमारा सबसे पहले आएगा हमारा एडवांस सैलरी। अगर हमारे एम्प्लॉय को एडवांस सैलरी चाहिए तो कैसे क्या मिलेगा। इन केस ऑफ एडवांस सैलरी देखिए, हमारा सेशन जो है पूरा, एक सेशन हमारा कंप्लीट होता है 12th मंथ में, ठीक है, 12th मंथ का एक सेशन होता है हमारा। तो एक सेशन में जैसे हमारे 12th मंथ होते हैं, 12th मंथ की सैलरी हमें मिलेगी। एडवांस हमें क्या है, एक महीने की सैलरी सपोज हमें एडवांस चाहिए, यानी कि टोटल कितना हो गया हमारे 13th मंथ की हो गई सैलरी, ठीक है। तो 12th मंथ की टैक्सेबल है और इसकी भी हमें टैक्स देनी पड़ेगी, टैक्सेबल है ये भी क्योंकि इसका भी हमें टैक्स देना ही है क्योंकि ये तो हमने ले लिया, इसका तो हम यूज़ कर ही रहे हैं, ठीक है। तो देखिए सपोज़ ये हमारा है 21 to 22 का है, ठीक है, और ये जो एक महीने की सैलरी हमने एडवांस ली है ये हमारी 22-23 की है। 22-23 में भी हमारे 12 मंथ होंगे पर इसमें से हमने एक महीना का है यहाँ पे ले लिया, तो इसका जो है 22-21 का अब हमारा कितने रह गए, 11 मंथ रह गए, और यहाँ पे हमारा कितना हो गया
12 मंथ यानी कि 21-22 के सेशन में हमारे टोटल 13 मंथ हो गए। तो इसमें क्या है, हम क्या करेंगे, तो हमारा जो टैक्सेबल है, हम यहाँ पे एक महीने का हमने जब सैलरी एडवांस ली है तो इस एक महीने की सैलरी को हम इसमें ऐड अप कर लेंगे। और यहाँ पर जो 22-23 है, 22-23 में हम लोग का क्या करेंगे, यहाँ का एक सैलरी, एक मंथ की सैलरी हमारे पास आ गई, यहाँ पे कम हो गया, तो इसमें से हमारा जो टैक्स है रिड्यूस हो जाएगा और इसमें इंक्रीज हो जाएगा। बस इसमें और कुछ नहीं है, बस इसको याद रखना है कि कैसे क्या होगा। सपोज़ एग्जांपल से देखिए, किसी एम्प्लॉय को ज़रूरत थी, ठीक है, तो उसने क्या करा कि भाई मेरे को एक महीने की सैलरी की ज़रूरत है, आप मुझे पहले दे दीजिए। तो उसने अपने बैंक में क्या कराया, उसको क्रेडिट करवा लिया, ठीक है, चलो भाई पैसे उसके पास आ गए। तो अब उसको क्या 12 मंथ की जगह 13 मंथ की सैलरी मिली है, टैक्स देते टाइम क्या होगा, उसका 13 मंथ के ही सैलरी इंक्लूड होगी। और अगला जो साल आएगा उसमें क्या होगा, उसके 11th मंथ की सैलरी हो जाएगी। तो जैसा जो इनकम आपका आता रहेगा हमें उसका ही देना है। इसी में हमारा सेक्शन 16 हमने जैसे करा था डिडक्शन का, तो इसके लिए हमारा सेक्शन 89 पे हमें रिलीफ प्रोवाइड करती है, रिलीफ यानी कि कुछ सुविधा हमें मिल जाती है, प्रोवाइड रिलीव इन दिस केस, ठीक है। अगर मान लिए हमारे 4,50,000 होता है तो इसमें हमें कम होके 50,000, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4,00,000 इस तरीके से। ये तो हो गया हमारा एडवांस सैलरी का केस। अब देखते हैं हम लोग एडवांस सैलरी और एडवांस अगेंस्ट लोन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। एडवांस सैलरी एंड एडवांस अगेंस्ट लोन, इसमें देखिए कोई एक पर्सन है, उसको पैसों की ज़रूरत है, ओके, तो उसने क्या करा, एम्प्लॉयर को कहा कि मुझे चाहिए, आप मेरी सैलरी से कट कर लीजिए, यानी कि जो मेरी सैलरी है 12th मंथ की सैलरी है, आप उसमें से किस कुछ अमाउंट मुझे कट करके दीजिए, ठीक है। तो वो तो क्या होगा, एडवांस सैलरी, ठीक है। एडवांस सैलरी दो तरीके के हम लोग करेंगे कि भाई एक तो अगर मान लो यहाँ से मेरा कट हो के एक महीने का कट हो गया, एक महीने का वहाँ पे ऐड हो गया, एक महीने का कट हो गया। एडवांस अगेंस्ट लोन क्या है, मैं ले रहा हूँ पर मैं आपको वापस दूंगा। देखिए एम्प्लॉय को ज़रूरत थी, उसने क्या करा, मेरा वहाँ से आप कट कर लीजिए, वो आप मुझे क्या करें डिडक्ट करके दीजिए। यहाँ पर ऐड हो गया, अगले में क्या हो जाएगा, वो डिडक्ट हो जाएगा। और लोन एज अ पार्ट ऑफ सैलरी, लोन क्या है, हमारा पार्ट ऑफ सैलरी का ही है, पार्ट ऑफ सैलरी है ये भी। सपोज देखिए इसका एग्जांपल देखिए, सपोज कोई एम्प्लॉय है, उसने एम्प्लॉयर से पैसे लिए, अब वो क्या है, उसको रिटर्न करेगा। जब यहाँ पे रिटर्न की बात आती है, यहाँ पे क्या कट की बात आई, यहाँ पे क्या वो रिटर्न कर लेगा, नॉट इन एडवांस, ठीक है, ये एडवांस में नहीं है, ये रिटर्न में है। सैलरी नॉट टैक्सेबल, इसमें क्या है, कोई टैक्स नहीं देना है, पर इसमें तो इसकी ऐड हो गई जैसे हमने देखा, तो इसमें क्या है, उसको कट कर दिए, तो वहाँ पर ऐड हो गया, जहाँ पे वहाँ पे इसका डिडक्ट हो जाएगा, जब कट होगा वहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली लोन अगेंस्ट एडवांस, उसी तरीके से लोन अगेंस्ट एडवांस भी हमारा क्या है, टैक्सेबल नहीं है, यानी कि एडवांस अगेंस्ट लोन सिमिलरली एक ही चीज़ है। उसके बाद देखिए हम लोग एक और चीज़ देखेंगे, एरियर्स ऑफ सैलरी, एरियर्स ऑफ सैलरी में देखिए क्या है। सपोज़ कोई गवर्नमेंट एग्जांपल लीजिए, जैसे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, चाहे हम प्राइवेट ही लगा लें, ठीक है, कोई प्राइवेट है चाहे कोई गवर्नमेंट है, तो सपोज़ कीजिए उसको 12 मंथ की सैलरी तो जैसे मिलती ही है। अब बात ऐसी चली कि भाई सैलरी अब इन लोगों की इंक्रीज होगी, पर ये बात चली है
पता लगी है कि इंक्रीज हो गई, पर कब से हो गए हमें नहीं पता। पर ये इसकी जब बात हो गई है, ये कहते कि घोषणा हो चुकी है, तो क्या हमारी सैलरी हमें मिली गई है? मिली तो नहीं है, तो क्या वो टैक्सेबल है? नहीं, जब से वो हमें हमारे हैंड पे मिलेगी, हमें हाथों हाथ मिलनी रिसीव हो जाएगी, तब से ही हम उसके लिए टैक्स पे करेंगे। सपोज ही स्कीम था कि भाई एप्लीकेबल होगी, कोई स्कीम है कुछ भी हमारा आया कि भाई सैलरी जो है हमारी इंक्रीज होगी, पर वह अभी हमने प्रिडिक्ट की है, ऐसी घोषणा हो गई है कि भाई हो जाएगा, हमारा ये प्रिडिक्शन है, हमारा ये मानना है कि हमें मिलेगी, पर हमें वो मिली नहीं है। ठीक है, वह हमें क्या है, आने वाले टाइम पे मिलेगी। सपोज़ कीजिए 5,000 बढ़कर आएगी पर मंथ, पर आई तो नहीं है, तो भाई इसको घोषणा करें। सपोज़ कीजिए आप 1 ईयर हो गए पर नहीं मिली है, पर जिस साल से वो हमें मिलनी शुरू हो जाएगी, रिसीव करेंगे हम, तब से ही हम उसके लिए टैक्स पे करेंगे। अब मान लीजिए वो 1 साल उन्होंने कह दिया था कि बढ़ेगी, ठीक है, पर मिली नहीं, तो वो 1 साल का उन्होंने इकट्ठे दिया, ठीक है, तो सपोज़ कीजिए हमारे 60,000 मिल गए हमें 1 साल के, क्योंकि 12 मंथ हर महीने का 5,000 बढ़ के मिलना था, वो मिला नहीं। अब उन्होंने क्या करा, इकट्ठे दे दिया, तो तब हमें 60,000 प्लस में जो भी हमें मिलेगी, ठीक है, साथ में जो भी हमें मिलेगा बढ़ के उस महीने का टोटल, साथ में हमारी सैलरी का टोटल, तो सब टोटल जो भी हमारा एक्स वाई जेड अमाउंट निकलेगा वो हमारा तब के तब टैक्सेबल होगा। अदरवाइज़ हमें अभी के लिए टैक्स पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके जितना भी हमारा ये चार्जेस हैं, इसके लिए जो भी हमें रिसीव होगा, इस सब के लिए टैक्स हम तभी देंगे, और इसके अंदर रिलीफ हमें वही सेक्शन 89 पे मिलेगी। सेक्शन 89 पे हमें मिलेगी। तो यहाँ पर हमने क्या करा, सेक्शन 15 और 16 को कवर कर लिया है कम्प्लीटली, और अब हमारा आएगा 17 को जो है हमने सैलरी के जो तीन अपने चार पार्ट में हमने डिवाइड किया था, ठीक है, बेसिस, अलाउंसेस, परक्यूसाइड, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, इनको हम अब अपने आने वाले वीडियोस में करने वाले हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और आप मेरे आने वाले वीडियोस को देखना चाहते हैं, प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। मेरी आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग सेक्शन 17 यानी कि सैलरी के पार्ट्स को कवर करने वाले हैं, और प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए इनकम टैक्स के आप मेरे चैनल पर जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। अगर आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझे कमेंट करके बताइए, कोई न्यू टॉपिक अगर आपको जानना आप मुझे बताइए ज़रूर से, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।